सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पास अपना बहादुर के बात मत करिए, सेना से मत जोड़िए, सुरक्षा रह सकती है। बम खाने वाला कांग्रेस का झंडा उठा करके शरीर को उसको अकेला छोड़ दिया, उसकी सुरक्षा की तकलीफ हो गई। आज के बाद चले जाओ सेना का सहयोग करो। सुरक्षा के ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मैं सवाल कभी नहीं उठाया। गुरु गोविंद, आप कौन हैं? आप क्या हैं? पंजाब में आतंकवाद कौन लाया था? जम्मू कश्मीर में कौन लाया था? नक्सली का मैं जवाब दूंगा। गलत बात, मेरी जुबान खुलेगी आज के बाद। आपने खुलवाई है, आप मुझे इजाजत, कांग्रेस वाले आपके बेटा साहब प्लीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 5 बजे के इस खास कार्यक्रम में। सीधा सवाल आज यही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री में जो सियासत राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर हो रही है उस पर हो। लेकिन इस वक्त की बहस चुनाव के ठीक पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसे लेकर हो रही सियासत पर करनी है, लेकिन सेना की इस कार्रवाई पर पॉलिटिक्स हो रही है। अब तो सरप्राइज भी नहीं होते हम। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह यह आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के वक्त सर्जिकल स्ट्राइक का पैटर्न बन गया है। और मैं ये बता दूं कि अखिलेश प्रसाद सिंह इस वक्त डिबेट में हमारे साथ मौजूद है और पूरा वक्त हमारे साथ रहेंगे हर सवाल का जवाब देने के लिए। मोदी जी की जब से सरकार है और इनके कार्यकाल में जब कोई बड़े राज्य में चुनाव होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक का एक पैटर्न बन गया है कि यहाँ फख्र की बात है और लोगों को शक हो रहा है, राजनीतिक पार्टियों को इस पर शक हो रहा है कि चुनाव है इसीलिए आपने आतंकवाद पर हमला कैसे कर लिया, आपने दुश्मनों को कैसे मुंह के खाने पर मजबूर कर दिया। अगर देश में चुनाव है तो आतंकियों को जवाब ना दिया जाए, ये आज का पहला सवाल। एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष AIATF के, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। मतलब इस तरह का कार्रवाई नहीं हो सकती। अखिलेश जी, अखिलेश जी, मेरी दो मिनट आपसे सवाल है। कहा कि इस ये जो पैटर्न है, नहीं नहीं नहीं, अखिलेश जी, अखिलेश जी मेरी बात सुनिए, आपने, मैं सारी बात से आपसे सहमत हूँ, सारी बात पे सहमत हूँ। प्रेस ने आपसे ये जो फैशन की बात की है, ये कोई नरेंद्र मोदी या बीजेपी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये नहीं। देखो पहले आपने कहा हम चुप रहे, सुना मैं एक बात जो हृदय को दुखी। देखो ये वक्त ऐसा है, पहले प्रथम राष्ट्र हमने आज नहीं तो कल आपने, हमने दुनिया में जाना है। पर नहीं, एक मिनट, बात सुनिए। प्रथम राष्ट्र मेरे से पुराना कांग्रेसी तो कोई नहीं, पर मेरे लिए तो प्रथम राष्ट्र है। नहीं, मेरे लिए तो प्रथम राष्ट्र है। आप MP हैं, आपका बहुत अच्छे हैं आप, पर मुझे एक चीज, हर भारतीय के लिए पॉलिटिकल बहस क्यों करें? सवाल हमारे जवान, जब 18 जवान शहीद हुए, ठीक, कुछ करके पाकिस्तान में 15 मिनट के अंदर ठोक के जवान जिंदा शहीद की तरह वापस आए। 40 जवान शहीद हुए हैं हमारे पुलवामा में, जवान गए वहां पे घुस करके 300 आतंकवादियों का बदला 40 का 300 का लेके आए। गर्व है। मेरी एक मिनट बात तो सुनिए। राष्ट्र का सवाल है ना आप ना मैं, हम तो कुछ नहीं, हम तो भारत माता की मिट्टी के कंकर भी नहीं है जनाब। सवाल सबसे बड़ा है, अगर हम 40 जवान शहीद होते हैं, क्या उस वक्त इलेक्शन आती है, क्या उस वक्त हमला होता है, तो क्या कहें कि ये राजनीति, ये फैशन है? हमारे जवान शहीद होते रहे, बहनों के सुहाग उजड़ते रहे, खून की नदियां बहती रहे और हम देखते रहे, ये चुनाव है। आप जवाब दीजिए अखिलेश। मैं उस पॉलिटिकल डिजाइन की निंदा करता हूँ, इस पैटर्न की निंदा करता हूँ। CPM हो, सेना को बीच में कृपा करके नहीं लाया जाए। अगर उसके लिए आप कह रहे, अगर पाकिस्तान से को कहता तो मैं मान लेता, आप कह रहे फैशन है, दिल दुखता है। ये राष्ट्र का अपमान है जनाब। कांग्रेस पार्टी देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है। अखिलेश जी, कांग्रेस पर इस तरह का सवाल खड़ा करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अखिलेश जी कौन सा पार्टी, आपने फैशन कहा, मैं किसी सवाल के सहमत नहीं। आपने ये जो पॉलिटिकल पैटर्न होते जा रहा है, फौज की तारीफ भी करते हैं, चुनाव हो बेटा सब ठीक है, और उसी समय हमारे सेना के जवान मारे जा रहे हैं, उसी समय हम मारे नहीं जा रहे, हम सेना कार्रवाई करती है। मारे लफ्ज मत कीजिए, मारना ये क्या पॉलिटिकल हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उसको समझ में नहीं आता। अखिलेश जी, अरे जब आप दुश्मनों को जवाब दे रहे हैं तो इलेक्शन ध्यान में रखेंगे क्या? इस तरह के सवालों को
तो आप मोदी के पक्ष में प्रचार करेंगे क्या? मैं सेना के पक्ष में प्रचार करूंगी। मैं मोदी के पक्ष में, मैं पुराना कांग्रेसी, नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोलता हूँ। जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, जो राष्ट्र की सुरक्षा करेगा, उसके लिए बोलेंगे प्रथम राष्ट्र। याद रखिए क्या महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। याद रखिए 370 धारा हटाई। मैं इसी पैटर्न की बात कर रहा हूँ। कैंसर की बीमारी को ये शख्स जो इस वक्त आपसे रूबरू हो रहे हैं ना, ये कांग्रेसी ही है। ये दिल से थान में कितने दिल से कांग्रेसी है जो आपसे बात कर रहे हैं। कांग्रेसी है जिसने देश को आजादी दिलाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जिन्होंने इस मुल्क में राज किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। उन्होंने 70 साल की बीमारी, मोदी जी के पुरखे नहीं थे, मोदी बुरा लगता है उसके पुरखे थे। पाकिस्तान को तो बुरा लगे, आपको भी मोदी बुरा लगता है? मोदी ने देश की सुरक्षा की है, देश के चुनाव की सुरक्षा की है। आपको मेजर जनरल के सिन्हा कुछ कहना चाहते हैं। अखिलेश जी प्लीज, यहाँ कहाँ चुनाव और आप इलेक्शन को ला रहे हैं? दो जवान शहीद हो गए हैं, उसका जवाब कब दे आप मुझे बताइए। थैंक यू इनको भी कह दीजिए। आप इतने बड़े गद्दार हो जाओगे आप देश के सुरक्षा जवानों के ये पे अपने कुर्सी आप कहाँ मोड़ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के शासन करने के तरीके पर मैं बोल रहा हूँ। उसपे कहाँ ले जा रहे हैं? राष्ट्रपति के ऊपर लगाते हैं, जो किसी को नहीं छोड़ती, जो गलत है गलत कहती, उनके ऊपर प्रेसिडेंट लगाते हैं। पूछ कर आया है ये अखिलेश सिंह से पूछ कर आया है पाकिस्तान। अखिलेश जी वापस ले लीजिए इसको। अरे शहीदों को तो मरे हुए कहते आप लोग, शहीदों का तो आप सुनना चाहते हैं। अखिलेश प्रसाद को सुनना चाहते हैं। मीडिया प्रचार करने लगे तो ऐसे डिस्कशन का कोई मायने मतलब नहीं है। ये जमहूरियत पे खतरा है, प्रजातंत्र पे खतरा है। बेटा साहब एक सेकंड रुकिए। हाँ अखिलेश जी, हम लोग सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करेंगे, पीओके पे कब्जा करिए, लेकिन पीओके हम लोग देश का हिस्सा मानते हैं और उस पे सर्जिकल स्ट्राइक होता है। ये बात करेंगे, जवान समाधि ले रहे थे बर्फों के अंदर। उस वक्त क्या हुआ था? क्या मेरे उस वक्त दो मेहमान, उस वक्त वोट किया था मेरे दो मेहमानों से रिएक्शन लेने? उस वक्त तो घनैया के लिए सब खड़े हो चुके थे, जिन्होंने कहा था भारत माँ तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, घर घर अपन करेंगे। पाकिस्तानी सेना को गांधी के प्रधानमंत्री काल में आत्मसमर्पण कराया गया था क्या? ये हमारे जवान क्या बात करते हैं? समाधि ले रहे थे बर्फों में जनाब। नौ कांग्रेस पार्टी क्या इस बात का प्रचार किया था चुनाव कि हमने करा दिया? यहाँ लगता है कि इंडियन आर्मी मोदी जी का प्राइवेट आर्मी हो गया। करा दिया मतलब क्या सर? ऐसा है, मैं एक सेकंड बेटा साहब प्लीज, आप तौर पर आप ऐसा है कौन सी है? हाँ बता नहीं बताइए सर। तान का दुनिया में बैठा हुआ हर हिंदुस्तानी आज नरेंद्र मोदी के पकड़ करता है जनाब। दुनिया में नाम कहां पहुंचा दिया? पहले जवानों के सिर करते थे और हम कहते थे लाल कारपेट से आ जाओ हिंदुस्तान में। अब एक गोली चले, 100 चलाए, फक्र करते हैं, आपसे ज्यादा गौरव है। अरे अरे मोदी से नफरत है तो करो, तैयार नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी की बातें, पैटर्न की बातें नहीं करते। भारत माँ पर केवल अभी बहुत न्यूज, मुझे मौका मिलेगा तभी जवाब करने वालों का एजेंसी नहीं है भारत माँ। हम सबों को उतना ही हिस्सा है भारत माँ पर भी। बंदे मात्र बोलते हुए जनाब तकलीफ होती है पार्टियों में। मुझे एक चीज बताइए, पिछले 5 साल के, नहीं अब बात सुनिए, मतलब मैं क्या बोला कल भी मेरा स्टेटमेंट निकाल के क्या गलत कहा उसे, तो उसे आप गलत साबित कर दीजिए। आपके पास पूरा टाइम है, मैं देता हूँ। आप क्यों देते हैं? मैं देता हूँ। आपने तो जो करना था कर दिया, मैं इनको जवाब बोली तो रहा हूँ। पिछले मैंने तो कल भी यही कहा था कि हर भारतीय को सेना पर गर्व है। पठानकोट की घटना के बाद घरों से लोग सेना में काम करते हैं, जगह जगह ब्लास्ट होते थे जनाब, भिवानी के दिनों में, बॉम्बे के अंदर, दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान में। मूल मुद्दों से हटके और इसको जो डिबेट बनाना चाहती है वो गलत है। पोलिटिकल डिजाइन की मैं बात कर रहा था। क्या एक बम चला? क्या एक गोली चली? बताइए आज की दिवाली और पहले बहनों के सुहागने उजारने वाली दिवाली और आज की दिवाली
किसने किया, किसकी पॉलिटिकल विल ने किया। नरेंद्र मोदी हो सकते हैं बीजेपी के प्रधानमंत्री, हमारे लिए राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आतंकवाद को समाप्त किया। जनाब एक सेकंड सर, तो फिर फैशन कहां से आ गया? फैशन फैशन कहां से आ गया? मुद्दे से शहीद को कहते हैं मौत, हमें बताई नहीं जवान की शहादत को मौत कह दिया। आप अपमान करते हैं जनाब, आप मेंबर पार्लियामेंट है हिंदुस्तान के, आपके जवानों का पूरी दुनिया में अपमान कर रहे हैं। आप बताइए जवान को मौत कहते हैं, जवान शहीद होता है? आप पढ़े लिखे इंसान है, आप मेंबर पार्लियामेंट है, आप नहीं कह सकते जवान का अपमान है कि जवान को मरे हुए नहीं, जवान शहीद होता है। जनाब आप अपमान कर रहे हैं, आप हमारे से बहस कर रहे हैं, पहले पहले कुर्बानियों का इतिहास ढूंढिए जनाब। बेटा साहब शक का तो कोई इलाज ही नहीं, क्या किया जाए? नहीं इनको किसी से, इनको मोदी जी से नफरत है। राष्ट्रीय सुरक्षा को आप बीजेपी और कांग्रेस के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और बिट्टा साहब जो है आतंकवाद की जो घटनाएं, वो इंफॉर्मेशन तो मेरे से ज्यादा नॉलेज तो आपकी है ना कि आतंकवाद क्या चीज हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि 2014 से 2019 के बीच में अगर हम जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को देखते हैं, तो ये मैं नहीं कह रहा, गृह मंत्रालय कहता है कि 111% जो आतंकवादी घटनाएं पड़ी। देश की रक्षा डिजाइन कैसे हो सकती है सर? आप वैसे लोगों को मैडम बैठाइएगा जिनको 1-1 करोड़ का भारत सरकार और मोदी जी की सरकार सुरक्षा दिए हुए हो, अरे तो बोलना पड़ेगा। मुझे कहते हो सोनिया गांधी के पास अगर सुरक्षा है, अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी के पास सुरक्षा है, शरीर का आधा हिस्सा गवाया जनाब, कांग्रेस का तिरंगा झंडा, राष्ट्र का झंडा उठा के पहले सोनिया गांधी, मैं बात नहीं करना चाहता था, मुद्दे पे आए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पास सुरक्षा रह सकती है? बम खाने वाला कांग्रेस का झंडा उठा करके शरीर को उसको अकेला छोड़ दिया, उसकी सुरक्षा की तकलीफ हो गई? ये आजादी है इस राष्ट्र की? तुम्हारे से सवाल पूछना चाहता हूँ, जब 40 जवान शहीद हुए थे, क्या इलेक्शन से सिर के ऊपर 12 प्लेन गए थे? अगर 2 प्लेन गिर जाते नहीं, तो मोदी जी की 25 सीटें भी ना आती। अरे बिट्टा जी, इतने बहादुर हो तो क्यों ये सुरक्षा में चलते हो? चले जाओ आज के बाद, चले जाओ सेना का सहयोग करो। सुरक्षा के ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मैं सवाल कभी नहीं उठाया। गुरु गोविंद सिंह जी यही पैदा हुए थे, आपकी तरह सुरक्षा में नहीं चलते थे? भारत की आपने बना रखी है, लूटा है इस भारत को आपने, नोच नोच के खाया है। देखा चिदम्बरम कहा है कांग्रेस से गद्दारी करके तो गए वो बिट्टा जी, के बाद तुमने मैं कांग्रेस ने पहचान दी थी कांग्रेस के खिलाफ, मैं उसी पार्टी से, आज के बाद उसी पार्टी से गद्दारी करके गए हो आज। हमने हर बात का जवाब मैं दूंगा, आप कौन हैं, आप क्या हैं, पंजाब में आतंकवाद कौन लाया था, जम्मू कश्मीर में कौन लाया था, नक्सली में, मैं जवाब दूंगा। गलत बात, मेरी जवान खुलेगी आज के बाद, आपने खुलवाई है, आप मुझे इजाजत कांग्रेस वाले आपके सवाल। बेटा साहब प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। अरे अखिलेश जी, आप तो अपनी खुद नहीं, नहीं अखिलेश जी, गद्दारी का उदाहरण, नहीं अखिलेश जी, ये बहुत गलत था, ये बहुत गलत था। एसपी जी, कितना नजदीक से आपने गोली देखी? एसपी जी, आप कितना नजदीक से आपने अटैक देखा अपने ऊपर, बताइए ना, कितना नजदीक से देखा? गलत लगेगी लेकिन सच है, कितना नजदीक से देखा है आपने? सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती तुलसी, मेरे पे बम चलाने वालों, सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। वाह, केस लड़े फॉरन से फंडिंग आए, केस लड़ने की सरकारी आशीर्वाद लेके सरकार के पक्ष में नहीं चलने वाला है। दिवालियापन कहते हैं अखिलेश जी, मानसिक दिवालियापन कहते हैं। बिट्टा जी का मेरा घर सामने सामने है दिल्ली में। आप इन पर क्यों सवाल उठा रहे हैं अखिलेश जी? इनकी तो जान बची है, इनको तो लोग जिंदा शहीद कहते हैं। बिट्टा साहब जो इनका नहीं वो किसी का नहीं, प्रॉब्लम ये है ना, इनकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। अखिलेश जी ये बहुत गलत था कि आपने इस कार्यक्रम में पर्सनल अटैक किए। मेरा आपसे बिल्कुल सीधा सवाल है, कितना करीब से आपने कोई अटैक देखा है मुझे ये बताइए, कितना करीब से आपने कोई बंदूक देखी है मुझे ये बताइए, आपको क्या पता है?
आप कैसे किसी शख्स से इस तरीके से बात कर सकते हैं? मैडम आपको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है किसी को सुरक्षा मिले? देश को सुरक्षा मिले तो परेशानी नहीं है। जो आतंकवाद से लड़े उसको सुरक्षा मिले तो परेशानी। आपकी परेशानी का कोई अंत है? आपकी परेशानी का कोई अंत है? मेजर जनरल सिन्हा, मेजर जनरल सिन्हा जी हाँ, देखिए रूपिका, इससे बढ़कर तो ही नहीं हो सकती। जब ये लोग बात करते हैं, हम जब ये बात करते हैं, जब ये अखिलेश ऐसे लोग सेना के ऊपर में सवाल उठाते हैं, पैटर्न ऑफ ऑपरेशंस की बात करते हैं। देखिए अखिलेश जी, आपने पैटर्न की बात की। कांग्रेस को बीजेपी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को जिस तरीके से वो लगातार गिर रही है ना, उसके लिए अखिलेश जी काफी हैं। उसके लिए वो तमाम लोग जो बार बार सेना के सवाल, सेना पर, उसके शौर्य पर सवाल उठाते हैं और उसे पॉलिटिकल पैटर्न का नाम देते हैं, वो काफी है। वो काफी है कांग्रेस को स्थिति में ले जाने के लिए। अखिलेश जी, आपको आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए। आप मोदी के अगेंस्ट में जाने के चक्कर में कब हिंदुस्तान के अगेंस्ट चले जाते हैं, आपको इस बात का एहसास ही नहीं होता। और सबसे बुरी बात तो यह है कि आप पूरा टाइम उस बात पर अडिग रहते हैं। आप इतनी ना समझी कैसे किसी ग्रैंड ओल्ड पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की हो सकती है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो देश के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, सेना के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है या इस सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। और आप भूल जाते हैं कि ये तीनों एक ही है जब देश की बात आती है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।